हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग आप देख ही रहे होंगे, आज हम लोग सीखेंगे स्मॉल लेटर्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और इसको हम लोग कलर करेंगे, और कलर करने का फ़ायदा ये है कि ये आपके माइंड में उसका शेप बैठ जाएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट कैसे लिखा जाता है इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कैपिटल किया था, इस बार स्मॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लेटर है ए, और इसको हम लोग रेड कलर से कर रहे हैं। देखिए ये है स्मॉल ए, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो कलर करने का फ़ायदा यही है कि एक तो कलरिंग में मज़ा आता है, दूसरा क्या है, आपका शेप जो है ना अल्फ़ाबेट का शेप, वो आपके दिमाग में घुस जाएगा। अब आ गए हम लोग बी पे। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैडमिंटन, ये सब तो आपको पता ही है। आप और भी वर्ड्स याद कर सकते हैं बी को याद करने के लिए। देखिए बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सी। सी फॉर कैट, सी फॉर कैरम, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा सी भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डी पे। डी फॉर डॉग, या डी फॉर डेनमार्क, या डी फॉर डेस्टिनेशन, ठीक है। ये देखिए डी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद ई पे। ई फॉर होता है एलिफेंट, या ई फोर होता है ईओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप करके वर्ड्स भी याद कर लीजिएगा, और शेप भी कैसे लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स, उसका शेप भी पता चल जाएगा आपको कलर करने में। एफ, एफ फॉर फिश होता है, फैन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी। जी फॉर गर्ल, या जी फॉर गोट, ठीक है। देखिए हमारा जी भी पिंक कलर से हम लोग कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अब आ जाते हैं हम लोग एच। एच फोर होता है हैन, या एच फोर होता है हेलमेट, है ना, बढ़िया सा। तो ये देखिए हमारा फटाक से एच भी हो गया। हमारा आ जाता है आई पे। आई फोर होता है आइसक्रीम, क्या होता है आइसक्रीम, ये तो किसी को नहीं भूलेगा ना। जे, जे फोर होता है जग, या जे फॉर जोकर, ठीक है। ये लीजिए हमारा जे भी कंप्लीट है। अब आया था के। के फॉर होता है काइट, के फॉर काइट, ये फॉर के फॉर कंगारू। आ एल, एल फॉर लायन, एल फॉर लायन। अब आया था एम। एम फॉर मंकी, या एम फॉर मनी, मनी मनी मनी, ये तो सबको ही पता होगा, पैसा किसे नहीं पता होता है। नाउ एन, एन फॉर नोज, या एन फॉर नेक, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप याद कर लीजिएगा ना। ओ, ओ फॉर ऑरेंज, या ओ फॉर ऑक्टोपस। नाउ पी, पी फॉर पैरेट, या पी फॉर पेन। देखिए बढ़िया तरीके से हो रहा है ना, हम लोग स्मॉल लेटर्स भी सीख रहे हैं। नाउ क्यू, क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, देखिए क्यू भी हो गया हमारा। आर पे आ जाते हैं। आर फॉर रैट, या आर फॉर रोज। अब आ जाते हैं एस। एस फॉर सन, या एस फॉर सनफ्लावर, ठीक है ना, बढ़िया। नाउ टी, टी फॉर टाइगर, या टी फॉर टेलीविजन, ये टी भी हो गया। नाउ यू पे आ जाते हैं। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। और नाउ वी, वी फॉर विक्ट्री, या वी फॉर वैन। अब आते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वॉच, या डब्ल्यू फॉर वुमेन, ठीक है। अब आते हैं एक्स। एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, या एक्स फॉर ज़ेरॉक्स। अब आते हैं वाई। वाई फॉर याक, या वाई फॉर येलो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेड। जेड फॉर जेब्रा, या जेड फॉर जू। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा स्मॉल लेटर्स सीखने में, ये बहुत ही इजी है। और कलरिंग करने का सबसे बेस्ट फायदा यह है कि आपको वो जब तक आप कलर करेंगे तब तक उसका शेप आपके दिमाग में बैठ जाता है, और ये लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आप लोगों को मजा आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।